प्लेटफॉर्म टेस्ट किस टाइप के मिल्क में हो रहा है, रॉ मिल्क में हो रहा है। तो इसका जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस है वो है डिटरमाइन करना हीट स्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क। पहला सैंपल है जहां पर क्लॉटिंग हो गई है, मतलब बॉइलिंग करने के बाद ये जो सैंपल है वो क्लॉट कर गया है और उसका प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है आप, ठीक है। प्रेसिपिटेट यहां पर देखने को मिल रहा है तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सैंपल है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोसीजर डिफरेंट है लेकिन पर्पस आपका सेम है, पर्पस है हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करना। तो देखो यहाँ पर ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि कितने डिग्री सेल्सियस पर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो। फारेनहाइट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 60 डिग्री फारेनहाइट पर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो, ये आपको याद रखना है। काउ मिल्क है तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.028 से 1.030 के बीच में, यानी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉय एजुकेशन। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट इन मिल्क के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के प्लेटफॉर्म टेस्ट आज के इस लेक्चर में हम इंक्लूड करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार ये आपको बता दें कि ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही ब्रीफ सा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट को बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे COB, दैट इज क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट हमारा रहेगा अल्कोहल टेस्ट। आगे हम प्रोसीड करेंगे पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन टेस्ट के बारे में। फिर हम अगला टेस्ट पढ़ेंगे लैक्टोमीटर, जिसे हम डेंसिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, जिसको अब सेंसरी टेस्ट भी बोलते हो। इसके अलावा देखो हम पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन टेस्ट, और लास्टली हम पढ़ने वाले हैं टाइट्रेबल एसिडिटी टेस्ट। तो ये टोटल 7 काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट इन मिल्क के बारे में, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर हम, तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन, यानी या तो आप एक्सेप्ट करोगे या तो आप रिजेक्ट करोगे किसको, रॉ मिल्क को, ठीक है। रॉ मिल्क को या फिर आप एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, क्वालिटी के बेसिस पर आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, यानी क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है उसके बेसिस पर आप इसको या तो एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पर सैम्पलिंग हम किस जगह से करते हैं इसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो जो आपका साइट ऑफ सैंपल कलेक्शन है, जहां से आप सैंपल लेकर के आते हो, उसको हम बोलते हैं रिसेप्शन डॉक, ठीक है। तो रिसेप्शन डॉक से आप लोग सैंपल को लेकर के आते हो और उस सैंपल की फर्दर टेस्टिंग करते हो, जिसको आप बोलते हो प्लेटफॉर्म टेस्ट। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि प्लेटफॉर्म टेस्ट किस टाइप के मिल्क में हो रहा है, रॉ मिल्क में हो रहा है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में नहीं हो रहा है, रॉ प्रोडक्ट में हो रहा है। इसके अलावा यहां पर पता चला कि रिसेप्शन डॉक से सैंपल ला करके हम यहां पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ये टेस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस हम इसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर थोड़ा सा भी मिल्क यहां पर स्पॉइल्ड है और उसको आप ला करके बल्क अमाउंट ऑफ मिल्क के साथ मिक्स कर देते हो, तो पूरा का पूरा मिल्क जो है आपका, यानी कंप्लीट जो लॉट है आपका, वो स्पॉइल हो जाएगा। इसी वजह से हम यहां पर जो भी मिल्क है रिसेप्शन सेंटर पर, उसको अच्छे से चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तब जा करके हम उसे लॉट वाइज कलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वन बाय वन देखते हैं जितने भी आपके प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला प्लेटफॉर्म टेस्ट हम पढ़ेंगे क्लॉट ऑन बॉइलिंग, जिसको कि आप बोलते हो COB टेस्ट, ठीक है। अब देखो COB टेस्ट में आप करते क्या हो और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पज है वो है डिटरमाइन करना हीट स्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीट स्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क को कैसे ये डिटरमाइन करता है, ये ऐसे डिटरमाइन करता है कि क्या जो आप मिल्क, रॉ मिल्क को लेकर के आ रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर, उसको जब आप पास्चराइज करोगे तो क्या वो मिल्क जो है वो एज इट इज उसकी क्वालिटी बनी रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि वो क्लॉट कर जाए या उसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट आ जाए। तो उससे पहले ही हम यहां पर उसकी हीट स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं उसका, आइए यहां पर देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहां आपको 5 ml ऑफ मिल्क को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना होता है। ये कौन सा मिल्क है, ये वही रॉ मिल्क है जो कि आपके रिसेप्शन डॉक पर है। 5 ml ऑफ मिल्क को आपने लिया और उसको क्या किया कि बॉइलिंग वाटर या फिर हॉट वाटर बाथ जो होता है उसमें आपने ले जाकर के रख दिया। कुछ समय के बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्वेशन के दौरान देखो यहां पर दो टाइप के सैंपल्स आपको दिख रहे होंगे।
पहला सैंपल है जहां पर क्लॉटिंग हो गई है, मतलब बॉइलिंग करने के बाद ये जो सैंपल है वो क्लॉट कर गया है और उसका प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। प्रेसिपिटेट यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सैंपल है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आप इसको क्या करोगे, आप इसको करोगे रिजेक्ट, ठीक है। और ये कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये सीओबी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, सीओबी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा हमारा जो सैंपल है आपके सामने दिख रहा है, ये आपको सीओबी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। क्यों सीओबी नेगेटिव रिजल्ट है, यहां पर किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, किसी भी टाइप के क्लॉट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं इस मिल्क सैंपल में, इस वजह से आप इसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, मतलब ये मिल्क का सैंपल एक्सेप्टेबल है। क्लियर हुई ये चीजें, ठीक है। तो वही यहां पर बताया जा रहा है, रिजल्ट्स जो होते हैं वो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि जो मिल्क है वो क्या वो सॉर मिल्क है या फिर एबनॉर्मल मिल्क है, क्योंकि सॉर मिल्क में ही ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें क्लॉट के फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो यहां पर इस बेसिस पर हमने क्या डिटरमाइन किया कि ये जो मिल्क है उसकी हीट स्टेबिलिटी प्रॉपर है या नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला प्लेटफॉर्म टेस्ट। आगे देखो दूसरा प्लेटफॉर्म टेस्ट है यहां पर एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट भी वही चीज डिटरमाइन करता है जो कि सीओबी टेस्ट करता है, ये भी डिटरमाइन करता है हीट स्टेबिलिटी ऑफ द मिल्क को, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोसीजर डिफरेंट कैसे है, यहां पर आपको 2 ml ऑफ मिल्क के सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेना होता है और उतना ही अमाउंट, सेम अमाउंट का 68% इथाइल एल्कोहल आपको उसमें ऐड करना होता है। देखो यहां पर बताया गया ना कि 2 ml ऑफ मिल्क आपने लिया और 2 ml मतलब सेम अमाउंट 68% ऑफ इथेनॉल को आपने उसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो देखो यहां पर आपके सामने दो सैंपल्स हैं। पहले सैंपल में आप देख रहे हो कि ये जो आपका सैंपल है इसमें नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी ये जो मिल्क है ये एक्सेप्टेबल नेचर का है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, यहां पर किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेट आपको देखने नहीं मिल रहा है, किसी भी टाइप की यहां पर क्लॉटिंग आपको टेस्ट ट्यूब के वॉल पर देखने को नहीं मिल रही है। बट जो सेकेंड सैंपल है इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहां पर आपको इस एरिया में छोटे छोटे से क्लॉट्स दिख रहे हैं मिल्क के। तो ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि शायद जो आपका मिल्क था वो सॉर था या फिर उसकी जो हीट स्टेबिलिटी थी वो प्रॉपर नहीं थी। अच्छा हुआ कि इसको आपने यहीं पर देख लिया, जिससे कि अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। ऐसे सैंपल को आप क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर प्रोसीजर डिफरेंट है लेकिन पर्पज आपका सेम है, पर्पज है हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करना। जैसे ही आपने यहां पर मिक्सिंग करी उसके बाद आपको ऐसे सैंपल्स देखने को मिलते हैं, अगर यहां पर क्लॉट्स या प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इसका जो रिजल्ट है ये कुछ और भी डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करता है कि यहां पर जो एसिडिटी है वो 0.21% से अबव जा चुकी है मिल्क के अंदर, क्योंकि जो एसिडिटी हाई होती है तो उसकी वजह से ही यहां पर माइक्रोबियल काउंट के हाई होने की वजह से ही ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जैसे ही आप मिल्क को हीट करते हो वैसे ही क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये दोनों चीजें समझ में आई आपको, सीओबी टेस्ट हमने पढ़ा, एल्कोहल टेस्ट हमने पढ़ा, दोनों का मेन पर्पस क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अगला टेस्ट है आपका सेडिमेंट टेस्ट, या आप इसको सेडिमेंटेशन टेस्ट भी बोलते हो। ये जो टेस्ट है इसको करने का पर्पस ये होता है कि किसी भी टाइप का फॉरेन मटेरियल, कंटामिनेंट जैसे कि डस्ट और डर्ट, क्या आपके मिल्क में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको आपको देखना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करते हो, तो ये जो आपका मिल्क है इसको आप फिल्टर डिस्क से पास कराते हो। तो ये जो आपको डिस्क शेप यहां पर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिल्टर डिस्क। इसको आप लगा करके रखते हो, फनल टाइप का जो शेप होता है उसमें, उससे मिल्क को पास कराते हो। अब जब मिल्क आपका पास होगा तो लास्टली जैसे ही कंप्लीट मिल्क पास किया आपने, उसके बाद आपको इसके ऊपर छोटे छोटे से कंटामिनेंट्स देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कितना डस्ट पार्टिकल या कितने कंटामिनेंट पार्टिकल्स यहां पर होने चाहिए तो आप उस मिल्क को एक्सेप्ट करोगे। तो यहां यह भी बताया गया है कि अप टू 0.4 to 0.5 mg/L अगर इतना है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आप क्लैरिफिकेशन कराते हो। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हम लोग क्लैरिफिकेशन भी कराते हैं। तो अगर इतना अमाउंट है किसी भी टाइप के डस्ट या डर्ट का तो आप इसे एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसे मिल्क को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि हाईली कंटामिनेंट मिल्क वो हो जाता है। क्लियर हुई ये चीजें। आगे देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जो ग्रॉस इंप्योरिटीज होती हैं या अनहाइजेनिक कंडीशन में मिल्क को मिल्चिंग करी गई है, ये सारी चीजें यहां पर ये टेस्ट इंडिकेट करता है अगर ऐसे मिल्क में ज्यादा अमाउंट ऑफ कंटामिनेंट्स देखने को मिलते हैं तो। क्लियर, तो ये हो गया हमारा थर्ड काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट जो कि है सेडिमेंटेशन टेस्ट। अगला टेस्ट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर या फिर डेंसिटी टेस्ट।
यहां पर इसका पर्पस क्या होता है इसको देखते हैं। ये जो होता है इस टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या इस मिल्क में अडल्ट्रेशन किया गया है बाय वाटर, यानी इसमें क्या पानी को अलग से मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। इसको हम लोग लैक्टोमीटर टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर प्रोसीजर क्या होता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और किसके थ्रू आप करते हो, लैक्टोमीटर के थ्रू करते हो, एक टाइप की डिवाइस होती है। तो देखो यहां पर ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि कितने डिग्री सेल्सियस पर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो। फारेनहाइट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 60 डिग्री फारेनहाइट पर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और कौन सी चीज को आप मेजर करते हो, यहां पर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हो, क्लियर। अब देखो यहां पर ये जो लैक्टोमीटर होता है उसमें जो रीडिंग्स आती हैं वो इस फॉर्म में नहीं आती हैं कि 1.028 हो या 1.033 हो। यहां पर जो रीडिंग्स आती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, ये होगी या तो 28, या ये होगी 30, ये होगी 32, ऐसे कुछ रीडिंग यहां पर देखने को मिलती है। तो जितनी भी रीडिंग है उसके पहले आपको 1.0 ऐड कर देना होता है, क्लियर। अब देखो अगर 30 आ रही है लैक्टोमीटर पर रीडिंग, तो आप इसको क्या कर दोगे, 1.030 कर दोगे। इसी तरह अगर 32 आ रही है तो आप इसको क्या करोगे, 1.032 कर दोगे। तो इस तरह यहां पर हम रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं और ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम यहां पर डिटरमाइन करते हैं। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें किसी भी टाइप के मिल्क में, तो ये 1.028 से 1.033 तक होता है। बट अलग अलग टाइप ऑफ मिल्क में अलग अलग टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब यहां से भी क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो अगर काउ मिल्क है तो यहां पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.028 से 1.030 के बीच में, यानी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर। इसी की जगह अगर बफेलो मिल्क है तो यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.030 से 1.032 के बीच में होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहां पर पैरामीटर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है ये क्या इंडिकेट करता है, देखो यहां पर अगर वाटर का एडिशन हुआ है, अगर पानी को इंटेंशनली ऐड किया गया है, एडल्ट्रेट किया गया है मिल्क के अंदर, तो ये जो आपका टेस्ट होगा इसमें लो रीडिंग आएगी, ठीक है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पर आपको रीडिंग देखने को मिलती है अगर इसमें इंटेंशनली वाटर को ऐड किया गया है तो। और आपने रेंज तो देख ही लिया कि किस टाइप के मिल्क में कितना रेंज होना चाहिए, क्लियर। ये हो गया हमारा फोर्थ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर फिफ्थ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट को पढ़ते हैं, जो कि है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, जिसको आप सेंसरी टेस्ट भी बोलते हो, ठीक है। अब सेंसरी टेस्ट में आपको क्या क्या यहां पर डिटरमाइन करना होता है, तो यहां पर आपको वेरियस काइंड ऑफ सेंसेस के माध्यम से आपको मिल्क की क्या क्वालिटी है इसको पता लगाना होता है। अब देखो सेंसेस में क्या क्या हो सकते हैं, साइट के थ्रू आप उसका कलर देख सकते हो कि किस कलर का मिल्क है, ठीक है। कलर को डिटरमाइन करके आप पता लगा सकते हो कि क्या यह मिल्क क्वालिटी वाइज अच्छा है या फिर क्वालिटी वाइज खराब है। स्मेल से आपको पता लग जाता है कि क्या ये मिल्क जो है वो स्पॉइल्ड तो नहीं हो गया है, अगर उसमें एसिडिक या सॉर स्मेल आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पॉइल हो चुका है। इसके अलावा देखो टेस्ट करके भी अगर आपको उसमें सॉरनेस समझ में आ रही है या कुछ ऐसा फ्लेवर आ रहा है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायरेबल है, तो आप ऐसे मिल्क को क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन के थ्रू ये सारी चीजें करी जाएंगी, जैसे कि स्मेल के थ्रू, ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर टेस्ट के थ्रू या फिर विजन आईसाइट के थ्रू ये सारी चीजें करी जाती हैं। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर अगर एबनॉर्मल स्मेल आ रही है, जैसे कि बार्नी स्मेल, काउवी स्मेल, तो ये सारी चीजें क्या क्या डिटेक्ट करती हैं, देखो हो सकता है कि मिल्क में रैंसिडिटी हो गई हो, ठीक है। रैंसिडिटी आपने पढ़ाई हुआ है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो फैट होता है वो ब्रेकअप कर जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और जो छोटी छोटी फैटी एसिड्स होती हैं वो वोलाटाइल होने की वजह से स्मेल करती हैं, ठीक है। तो यहां पर फैट का ऑक्सीडेशन हो चुका है, ये चीज डिटरमाइन करती है, और इसका जो एक फ्लेवर आता है, जो स्मेल आती है वो डिफरेंट आती है। आगे देखो यहां पर अब बताया जा रहा है कि बैक्टीरियल या केमिकल टेंट की वजह से भी ऐसी स्मेल हो सकती है, एसिडिफिकेशन की वजह से भी ऐसी स्मेल्स यहां पर आ सकती हैं, और अगर एसिडिफिकेशन है तो यहां पर जो वैल्यू होती है वो लेस देन 6.4 पीएच वैल्यू होती है, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट, या फिर आप इसको सेंसरी टेस्ट भी बोलते हो। अगला टेस्ट देखो यहां पर है डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन का। तो देखो अडल्ट्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये तीनों टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट यहां पर है स्टार्च का टेस्ट। स्टार्च के टेस्ट में देखो आपको क्या करना होता है, मिल्क को लिया आपने, मिल्क को बॉइल कर लिया, बॉइल करने के बाद आपने उसको कूल कर लिया, फिर उसमें आपने आयोडीन के सॉल्यूशन को ऐड किया, ठीक है, या फिर यहां पर आयोडीन के टिंचर को भी आप ऐड कर सकते हो।
आयोडीन के सॉल्यूशन को जैसे ही अगर आपने ऐड किया तो अगर ब्लू कलर का रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें स्टार्च को इंटेंशनली ऐड किया गया है। अब मिल्क में स्टार्च तो प्रेजेंट होता नहीं है, स्टार्च को अगर इंटेंशनली किसी ने ऐड किया है सपोज दैट किसी भी टाइप की मिल्क में, तो यहां पर ब्लू कलर का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है और ऐसे मिल्क को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे रिसेप्शन डॉक से। क्लियर। अगला टेस्ट यहां पर है केन शुगर का एडिशन का टेस्ट, यानी क्या वो मिल्क में केन शुगर का एडल्ट्रेशन किया गया है या नहीं, इसको चेक करने का यहां पर टेस्ट है। ये प्रोसीजर में आपको क्या करना होता है ये चीज ध्यान देना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पर HCl को और रिसोसिनॉल पाउडर को ऐड करना होता है मिल्क के अंदर, उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व करना होता है, अगर आपने इसको बॉइल किया और रेड कलर का प्रेसिपिटेट या रेड कलर का इंडिकेशन वहां पर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर केन शुगर को इंटेंशनली ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये केन शुगर के एडिशन को यहां पर दर्शाता है ये टेस्ट। लास्ट टेस्ट देखो यहां पर हम देखने वाले हैं एडल्ट्रेशन टेस्ट में न्यूट्रलाइजर्स का एडिशन। अब देखो सपोज दैट मिल्क काफी देर से रखा हुआ है तो वो सॉर हो जाता है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसा मिल्क स्पॉइल हो जाता है, बट उसमें अगर न्यूट्रलाइजर ऐड कर दिया गया तो आप उस मिल्क में पता नहीं लगा सकते हो कि ये कितने देर से स्टोर किया गया है, कितनी देर से रॉ फॉर्म में इसको रखा गया है और इसकी एक्चुअल जो स्पॉइलेज है या एक्चुअल इसकी क्वालिटी है वो कैसी है। इसी वजह से उसमें न्यूट्रलाइजर ऐड किए जाते हैं ताकि एसिडिटी को कम किया जा सके। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अल्कोहल को ऐड करना होता है अलॉन्ग विद द रोसिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अगर रोज रेड कलर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये डिटेक्ट करता है कि इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, और कार्बोनेट्स के फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, इसका एडिशन यहाँ पर इंटेंशनली किया जाता है जिससे कि न्यूट्रलाइज किया जाए मिल्क को। क्लियर, ये चीजें यहां पर क्लियर हुई। तो ये हो गया आपका डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन का टेस्ट, जो कि भी एक टाइप का प्लेटफॉर्म टेस्ट है। लास्ट देखो हमारा है TA, दैट इज टाइट्रेबल एसिडिटी टेस्ट। किसके टर्म्स में हम यहां पर टाइट्रेबल एसिडिटी निकालते हैं इसको सबसे पहले जानते हैं। इन टर्म्स ऑफ हम यहां पर निकालते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्योंकि मिल्क में यहां पर लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड हम यहां पर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। पर्पस की अगर हम बात करें तो ये मेजर करता है लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है मिल्क के अंदर। ठीक है, अब यहां पर हम एक बार बात कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यूज क्या हैं, कितना मिनिमम होना चाहिए। क्लियर, तो देखो यहां पर जो काउ मिल्क है अगर हम उसकी बात करें, काउ मिल्क के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो एसिडिटी है ये 0.13 से 0.14 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बुफेलो मिल्क की बात करें, यहां पर बुफेलो मिल्क की बात करें हम यहां पर, तो उसमें TA वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.14 से 0.15 के बीच में होनी चाहिए। तो ये कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती हैं जिनके बीच में अगर एसिडिटी आ रही है तब आप समझ लो कि ये नेचुरल मिल्क है और ये स्पॉइल्ड नहीं हुआ है, ये इनकी नेचुरल एसिडिटी होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम प्रोसीजर क्या अपनाते हैं एसिडिटी को चेक करने के लिए। आपको पता है कि एसिडिटी को निकालना है तो किसी न किसी टाइप के बेस से आपको उसको टाइट्रेट कराना होता है, और जनरली यहां पर जो बेस यूज किया जाता है वो होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जनरली यहां पर 0.1 नॉर्मल का NaOH को यूज किया जाता है टाइट्रेशन के लिए। इसके साथ साथ इंडिकेटर के रूप में फिनोप्थलीन इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स को यहां पर डाल दिया जाता है। अब इस फिनोप्थलीन इंडिकेटर की ड्रॉप को डालने के बाद जैसे जैसे आप टाइट्रेट करते हो 0.1 नॉर्मल के NaOH से, अगर पिंक कलर का अपियरेंस हुआ और वो स्टेबल है तो इससे आप वहां पर उस वैल्यू को आप इंडिकेट करते हो और उसके थ्रू यहां पर निकालते हो जो ओवरऑल एसिडिटी होती है मिल्क के अंदर। इस एसिडिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो लेस देन 0.18 होनी चाहिए, और काउ और बफेलो मिल्क में तो आपने देख ही लिया कि कितना कितना वैल्यूज होनी चाहिए। 0.18 से ज्यादा अगर लैक्टिक एसिड की यहां पर वैल्यू आ रही है तो इससे हमें यह पता चलता है कि मिल्क में एसिडिटी ज्यादा है, और टाइट्रेबल एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से आप ऐसे मिल्क को एक्सेप्ट नहीं करोगे फ्रॉम द रिसेप्शन डॉक। क्लियर, तो ये हुए हमारे ओवरऑल 7 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट जो कि हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क के क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए रॉ फॉर्म में। अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।